हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है फिर से एक बार एक नई जॉब और वैकेंसी के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खड़की कंटोनमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सिविल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो जिन दोस्तों ने हमारे डिप्लोमा बी या बी टेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से, तो वो लोग यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। हम बात करेंगे कि किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, और आपके जो है फॉर्म कब से भरे जाएंगे, और इसके साथ साथ आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित किसी भी लेटेस्ट जॉब का अपडेट आपसे मिस ना हो। हम हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, खड़की कंटोनमेंट बोर्ड फील्ड मार्शल करियप्पा मार्ग खड़की पुणे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर PH और ये 22 जून 2022 को आया है। यहाँ पर लिखा है अप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइट फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन एंड इलेक्ट्रीशियन। तो यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, ड्राफ्टमैन और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ऑफलाइन आवेदन करना है, और सबसे ऊपर लिखना है अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन, और जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट द एप्लीकेशन 15/8/2022 शाम के 5 बजे तक। और यहाँ पर कुछ राज्य और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी कैंडिडेट हैं उन्हें छूट भी मिली है। फॉर कैंडिडेट रेजिडिंग इन असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के जो भी ये कैंडिडेट हैं, इन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम जो है दिया गया है। इनका जो एप्लीकेशन है वो 29/8/2022 को शाम के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। इन दिए गए राज्यों को नामों में से अगर आपके राज्य का नाम इसमें नहीं है, तो आपके लिए जो लास्ट डेट वो 15/8/2022 है। सबसे पहली पोस्ट है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। पे स्केल जो है आपका 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये रहने वाला है। और आपसे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपकी डिग्री होनी चाहिए इन सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ साथ जो अलग स्ट्रीम होती हैं, जैसे सिविल इंड, रूरल इंजीनियरिंग, अर्बन एंड रूरल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग, अगर आपने इसमें भी इसके साथ साथ अगर जो बी ए बी टेक कर रखा है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डिज़ायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, आपके पास ऑटोकैड या सर्वे या टाउन प्लानिंग का जो है नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। सैलरी जो है आपकी 41,800 से लेकर 1,32,300 रुपये रहने वाली है। यहाँ पर आपसे 3 वर्ष का जो है डिप्लोमा मांगा है सिविल इंजीनियरिंग में, और इसके साथ जो है आपकी कॉमन ब्रांच दे रखी है। अगर आपने इससे डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप BBTech जो है सिविल से कर रखे हैं और आपके पास जो है ऑटोकैड का भी नॉलेज है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरी पोस्ट है ड्राफ्टमैन के लिए। यहाँ पर सैलरी जो है आपकी 29,200 से लेकर 92,300 तक रहने वाली है। यहाँ पर जो है आपसे ITI मांगा गया है ड्राफ्टमैन में। फिर है इलेक्ट्रीशियन की, सैलरी है 25,500 से लेकर 81,100 रुपये, और यहाँ पर जो है ITI आपका इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए। बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो यहाँ पर जो आपकी एज लिमिट है वो 15/8/2022 के हिसाब से काउंट की जाएगी। यहाँ पर आप मिनिमम एज देख सकते हैं 21 ईयर, और मैक्सिमम एज जो है यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट है। SC/ST के लिए 35 ईयर, OBC के लिए 33 ईयर, EWS और जनरल के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर है। यहाँ पर और भी रिलैक्सेशन दिया गया है, और आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल
₹300 रहने वाली है। और ये जो है आपको DD बनवाना पड़ेगा, किसके नाम से? डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड खड़की के नाम से। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट जो हैं सेल्फ अटेस्टेड करके जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनके पास पहुँचाने होंगे। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि आपका जो है सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असिस्टेंट इंजीनियर की। तो जो फाइनल सिलेक्शन आपका होना है, वो जो मेरिट तैयार होगी वो सिर्फ रिटन टेस्ट के आधार पर होगी। यहाँ पर आपसे 120 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का समय मिलेगा। और ये जो एग्ज़ाम आपका होना है ये आपका ऑफलाइन होना है OMR सीट पर। और ये जो क्वेश्चन पेपर होगा ये आपका दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। यहाँ पर आपका कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। ये एग्ज़ाम कब और कहाँ होना है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा। फिर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। आपका जो सिलेक्शन और जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो रिटन टेस्ट के आधार पर बनेगी। 120 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मिनट का समय मिलेगा। और ये भी एग्ज़ाम जो है आपका ऑफलाइन होना है। क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पर आपका कोई भी स्किल टेस्ट या इंटरव्यू नहीं है। सेम ड्राफ्टमैन के लिए भी ऐसा ही है और इलेक्ट्रीशियन के लिए भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं कि आप भारत के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस आपका क्या रहने वाला है, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर, सब्जेक्ट जो आपके रहने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश। और आपकी जो ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपके 120 नंबर के होंगे, 120 क्वेश्चन। सेम सिलेबस जो है आपका जूनियर इंजीनियर के लिए भी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और सिविल इंजीनियरिंग से आपसे 120 क्वेश्चन 120 नंबर के पूछे जाएंगे। इनके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। सेम इलेक्ट्रीशियन के लिए, ड्राफ्टमैन के लिए बस जो है यहाँ पर ये चीज़ आपकी चेंज रहेगी। और इन्होंने यहाँ पर सिलेबस भी जो है थोड़ा सा डिटेल में बताया है कि आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या पूछेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से। और जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट और करंट अफेयर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से देख लीजिए, इंग्लिश से भी आपके बिल्कुल कॉमन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। और जो आपकी ब्रांच है सिविल इंजीनियरिंग उससे भी बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव सिलेबस से क्वेश्चन रहेंगे। जो भी दोस्त हमारे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं फिर जो है उन्हें इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बात करें कि इसके लिए अप्लाई कैसे किया जाएगा तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप लोग जो है वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के वो फॉर्म फिल करना होगा। फिर उसके साथ जो है अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप लोग इनके ऑफिस तक पहुँचा सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या मांगा गया है आपसे। एक पोस्टल स्टाम्प ₹30 का, 3 आपके लेटेस्ट जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए, मार्कशीट की जो है आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, DOB का प्रूफ होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने एक ईमेल आईडी और ऑफिस का कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया है कि किसी भी इंफॉर्मेशन, क्लेरिफिकेशन और गाइडेंस के लिए जो है आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो लोग ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया पोस्ट है, अच्छी सैलरी रहने वाली है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नई जॉब और वैकेंसी के साथ।